अब हम बाजी के हवाले 10,000 रुपए की रकम करने लगे हैं जो कि हमारी बहन ने इंग्लैंड से इनके लिए भेजी है। अम्मा जी आप ये 10,000 रुपए गिन लें जी। अम्मा जी कितनी रकम आपने वसूल कर ली? 2 लाख। अम्मी के मुंह से निकला 10 लाख। चलें अम्मा जी कितनी रकम आपने वसूल की है? 10,000। 10,000 आपने वसूल कर लिया जी। चलें जी माशाल्लाह। अल्लाह को ढेर देवे, अल्लाह सुख देवे, सोना करें आमीन। अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक अल्लाह रोज रिज़्क़ की बरकत पावे, सोना करें आमीन आमीन। अल्लाह सोना मदीने मदीने वाला सुखी सिया तंदुरुस्ती देवे अल्लाह आमीन। अल्लाह ताला हमारी अम्मा की जो दुआएं हैं वो हमारी बहन फजीलत बेगम के हक में कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल के मंजूर करे, अल्लाह सुख देवे, सोना करें, अल्लाह मालोमाल करे, सोना मदीने मदीने। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर का एक इलाका है मकबूल कॉलोनी, और मकबूल कॉलोनी से आगे हम अगर निकलें तो रेलवे लाइन आ जाती है। रेलवे लाइन से आगे इस तरह कच्ची पक्की एक आबादी है, वहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसको भी मकबूल कॉलोनी ही कहते हैं। यहाँ पे हमारी एक बेवा बहन रहती हैं, ये जो सामने घर नज़र आ रहा है यहाँ पर वो रहती हैं। 5 उनकी बेटियाँ हैं, यतीम हैं वो, लोगों के घरों में 2 बेटियां हैं, वो जाके काम वगैरह करती हैं जिससे इनके घर का सर्कल वगैरह चलता है। इसके अलावा इनका कोई ज़रिया आमदन भी नहीं है। बाकी ये जो घर है इसके बारे में भी हमें पता चला है कि इनको ये किसी ने बनवा के दिया यहाँ पे, इससे पहले इनका अपना कोई घर भी नहीं था। ये आप देख सकते हैं किस किस्म का ये इलाका है, कच्ची आबादी हम इसको कह सकते हैं। अभी हम चलेंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे। और इनके लिए हमारी एक बहन हैं जो कि इंग्लैंड में रहती हैं, बाजी फजीलत बेगम साहिबा, उन्होंने हमारी इस जो बेवा बहन है और यतीम बच्चे हैं इनके लिए 10,000 की रकम भेजी है। वो रकम हम इनके हवाले करेंगे और मज़ीद भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 इनकी बेटियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम सलाम। अम्मा जी सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपके जो शौहर हैं उनको अल्लाह को प्यारे हुए जी? 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा क्या काम वो करते थे जी? बस मेहनत मजदूरी करेंगे। मेहनत मजदूरी करते थे, ठीक है। तो इसके अलावा अब आपके कितने टोटल बच्चियां कितनी है जी? 3। शादी थी गई है, 3 हैं बेटे। तो 5 बच्चियां हो गई ना आपकी? हाँ। 5 बेटियां हो गई। हाँ, 2 शादीशुदा हैं और 3 की अभी शादी नहीं हुई। हाँ। तो जिनकी शादी हुई वो भी आपके पास ही रह रही है? बस कहीं वाले मायके ना जन कहीं वाले उठे झगड़े ना। अच्छा अच्छा, यानी कि कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो फिर ये आपके पास छोड़ जाते हैं उनको। तो वो क्या काम करते हैं? बकरियां शकरियां चले दे। अच्छा वो जो आपके दामाद हैं बकरियां वगैरह चलाते हैं, ठीक है। 3 बेटियां तो आपके पास मुस्तकिल होती हैं। तो अम्मा जी आपका रोजगार का क्या सिलसिला है यहाँ पे? बस तुम एक रू घरे काम करें जैन, बस में लोन मेरे से नाल गुजारा है। अच्छा अच्छा। अम्मा जी ये कह रही है कि भाई हम 1-2 घरों में काम करते हैं और वो लून मिर्च जो होती है उस तरह हमारा गुजारा है, यानी कि तंगी का शिकार है हालात। तो ये आपकी बेटी हैं। बेटा आपका क्या नाम है जी? नादिया। आप पढ़ी वगैरह नहीं है कुछ? नहीं। अच्छा, अबू फोत हो गए थे इसलिए काम कार में लग गए, छोटे छोटे थे काम करने लगे हैं घरों के, अभी तक काम करते हैं। अच्छा अबू के यानी कि फोत होने की वजह से आप नहीं पढ़ सकी? हाँ जी। अच्छा तो आप भी काम करती हैं अम्मी के साथ जाके लोगों घरों में? अम्मी नहीं का काम नहीं करती, अम्मी को बेटा आप बताएं क्या बता रहे थे आप? अम्मी को दिल की तकलीफ है और शुगर है, इसलिए इसी वजह से वो नहीं जाती अब काम पे, मैं और मेरी छोटी बहन जाते हैं। अच्छा आप और आपकी छोटी बहन जाती है? कौन सी छोटी बहन आपके साथ जाती है? अच्छा ये बेटा आप अपनी बहन के साथ जाती हैं? जी मैं जाती हूँ काम करने। अच्छा अच्छा। रफीक के घर जाती हैं? डॉक्टर रफीक के घर जाके काम करते हैं आप? तो सुबह से लेके रात तक आप काम करते हैं वहाँ? शाम छुट्टी थी जल्दी आ गए। जी बेटा आज छुट्टी थी, जुम्मा था इसलिए जल्दी आ गए। अच्छा जल्दी आ गए। तो ये सिर्फ यानी कि आप लोग 2 बेटियाँ जो हैं वो इस टाइम बेटों का किरदार अदा कर रही हैं, घर के लिए कमा के लाती हैं। इसके अलावा आपके घर का बेटा कोई आमदन का कोई जरिया और कोई नहीं है? नहीं और कोई नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा और आप बस आप दोनों बहनें
इस घर के लिए कफालत का किरदार अदा कर रही हैं। तो आप भी इसी वजह से नहीं पढ़ सकी अबू की वफात की वजह से? जी इसलिए मैं भी नहीं पढ़ी। ये भी करती रहेगी काम, वो भी करती रहेगी काम, हम सब करते अपना घर का खर्चा जीवन ढेर थोड़ा करेंगे। अच्छा अच्छा, ये पहले ये भी काम करती थी, फिर इनकी शादी वगैरह हो गई। ठीक ठीक है। इनकी तीन बेटे हैं शादी के बाद। अच्छा, इनकी ये सबसे बड़ी बहन है आपकी? हाँ, ये सबसे बड़ी। तीन बेटियां हैं, तीन में भी शादी हुई है, मेरा एक बेटा है। अच्छा, एक बेटा है। तो अभी आप अम्मी के पास आए हुए हैं? हाँ जी, अम्मी के पास रूठे हुए हैं। अच्छा, रूठे हुए हैं यानी कि उन अपने शोहर के साथ नाराजगी है चल रही दोनों बहनों की? अबू ना भाई वाला हूँ, लड़ाई झगड़ा वाला हूँ, क्या करीजिए। हाँ जी, बस कहीं मिले उठा कहीं मिले उठा। ठीक है ठीक। तो आपके बेटा, आपके शोहर क्या करते हैं? बकरियां चराते। अच्छा, बकरियां चराते। तो आपके जो शोहर है वो भी वो सामने खड़े हैं, गाय चराते। अच्छा, वो भी गाय चराते हैं उस इलाके में। तो अभी आप लोग उनसे नाराजगी रहे हो कि अम्मी के घर रह रही हैं? हाँ जी। वो कोई खर्चा वगैरह आपको भेजते हैं बच्चों को या नहीं? वो नहीं नहीं भेजते, जब रूठ के आते हैं कुछ नहीं भेजते। चलें जी, अल्लाह ताला आपके हालात को बेहतर फरमाए जी। अल्लाह ताला आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं उनको भी आसान फरमाए। तो नाज़रीन, ये मुख्तसर से हमारी इन बहनों के हालात हैं। इंतहाई गुरबत का इनका चल रहा है दौर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा फरमाए। ये इनका छोटा सा घर है, और इस घर के बारे में अम्मा जी आप हमें किसी ने बताया कि ये घर भी आपको किसी ने बनवा के दिया? सड़क पार है ना बाजी जी, जी। बतुआ के जब तू जिंदा है तते दे जिले तो अल्लाह को प्यारी थी वैसे जी जी। असा वाला अपना गेन गिन सो मके भी कोई दा मनशा। अच्छा अच्छा, हाँ। अम्मा दिखाएं आप हमें घर, देख सकते हैं आपका? चल के चलें आए दिखाएं। नाजरीन देखें जी, छोटा सा अम्मा का घर है। ये भी किसी ने इनको बनवा के दिया, और साथ ये भी है कि जब तक आप लोग जिंदा हैं तो यहाँ रहें। अच्छा, ये आपकी बच्चियों का जहेज का जो पड़ा हुआ है, जहेज का क्या है नाजरीन? ये देख सकते हैं एक पेटी है, ये इनकी जहेज है टोटल। और ये ऊपर जो ये एक संदूक है, ये बेटियों का जहेज है, इसको ये जहेज बोल रहे हैं, जो कि अल्लाह ताला। अच्छा, बच्चों के कपड़े। ये नाजरीन का देखे क्या कमरा है, एक ही कमरा, पांच बेटियां और एक उनकी अम्मी जान, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये जो उनकी बेटियाँ इनके पास नाराज होके आई हैं। अच्छा, ये छोटी बेटी का जहेज का सामान पड़ा हुआ है, तो ये सामान भी आप वापस उठा लाए हैं क्या? इतनी सख्त लड़ाई हो गई उनके साथ? नहीं 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 नहीं, झगड़ा हुआ, जगह नहीं है ना। अच्छा, तो सामान इधर पहुँचवा दिया आपने? ठीक है जी। बाजी पंखा है ना? जी जी, छोटी। अच्छा, ये पंखा और बैटरी पे ये चल रहा है, सोलर प्लेट के साथ चूंकि ये चलता है। तो ये इनको वो बता रहे हैं कि जो बाजी के घर काम करती हैं तो उन्होंने इनको लेके दिया। ये देख लें नाजिन, छोटा सा एक इनका किचन के तौर भी ये इस्तेमाल करते हैं, और सामान भी इसी में पड़ा हुआ है। और जो सहन है वो ये देख लें कि सहन गर्मियों में यहाँ पर आके ये दरख्त के नीचे तमाम जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ले कर बैठ जाते हैं। नाजरीन, ये मुख्तसर से हालात हैं जो कि अम्मा जी ने हमें बता दिए, साथ हमारी बेटियां भी बैठी हैं, उन्होंने भी बता दिया है। तकरीबन 10 साल के करीब होने वाला है अम्मा के जो शौहर हैं अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनकी वफात के बाद बच्चियाँ भी अपनी कोई तालीम जारी नहीं कर रख सकें, अम्मा जी की कोई नारीना औलाद भी नहीं है, इसलिए घर की कफालत के लिए दो बेटियाँ हैं वो जाके लोगों के घरों में काम करती हैं, उसी की वजह से इनके घर का जो सर्कल है वो थोड़ा बहुत चल रहा है। ये एक छोटा सा मकान है, ये भी अम्मा जी को किसी ने बनवा के दिया है। गर्ज़ ये है कि अम्मा जी बिल्कुल मुस्तहक हैं, यतीम बच्चे हैं। इनके लिए हमारी एक बहन है इंग्लैंड में रहती, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। फजीलत बेगम हमारी बहन है, उन्होंने अपने जो माल है उसमें से अल्लाह की रज़ा की खातर इन यतीम बच्चों के लिए, इन यतीम बच्चियों के लिए अपने माल में से रकम भेजी है, 10,000 रुपये की रकम वो हम इनके हवाले करने लगे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनका जो ये नेक अमल है वो अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। यतीमों की कफालत करने का जो सवाब है, जो अजर है, अल्लाह ताला उनको रोज़े क़यामत और इस दुनिया में भी ज़रूर अता फरमाए। और नाज़रीन, आप लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि जो हमारे भाई और बहनें इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हिस्सा लेते हैं, तो उनके लिए हमारे उन बहनों और भाइयों के लिए कमेंट सेक्शन में दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला क्या जाने कब किसकी दुआ कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी फजीलत बेगम के वालदैन पे भी अपनी रहमतों के साए नाजल फरमाए, और हमारी फजीलत बहन को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए।
और इनका जो ये नेक अमल है अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बैठ कर इशारा किया था दो उंगलियों से कि यतीम की कफालत करने वाला रोज़े क़यामत मेरे इस तरह करीब होगा, दो उंगलियों का इशारा किया और उन्हें आपस में थोड़ा वक्फा दे दिया। यानी जो शख्स यतीम की कफालत करेगा वो रोज़े क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह वो करीब होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन बहन को रोज़े क़यामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब और फरमाए और उनके जो है मगफरत का भी बायस हो ये नेक अमल। इस वीडियो का मकसद ना तो कोई ज़ाती शोहरत है ना ही कोई दिखावा, मकसद सिर्फ ये है कि ऐसे लोगों को तरगीब दी जा सके जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बहुत माल अता कर रखा है, उनको ये तरगीब दी जाए कि आएँ और हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने। इस तरह यतीम और जो बेसहारा और मुस्तहक बच्चे हैं उनकी कफालत का किरदार अदा कर सकें, ये इसका मकसद है। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बहुत सारे और लोग भी इस काफ़िले का हिस्सा बन सकें। तो अब हम बाजी के हवाले 10,000 रुपये की रकम करने लगे हैं जो कि हमारी बहन ने इंग्लैंड से इनके लिए भेजी है। अम्मा जी आप ये 10,000 रुपये गिन लें जी। अम्मा जी कितनी रकम आपने वसूल कर ली? 2 लाख। अम्मी के मुंह से निकला 10 लाख। चलें अम्मी कितनी रकम आपने वसूल की है? 10,000। 10,000 आपने वसूल कर लिया जी? हाँ जी। चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह को ढेर देवे, अल्लाह सुख देवे सोना करिए, आमीन, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह पाक अल्लाह रोज रेज के बरकत पावे सोना करिए, आमीन आमीन, अल्लाह सोना मदीने मदीने वाला सुखी सिया तंदुरुस्ती देवे अल्लाह, आमीन। अल्लाह ताला हमारी अम्मा की जो दुआएं हैं वो हमारी बहन फजीलत बेगम के हक में कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल तो मंजूर करे, अल्लाह सुख देवे सोना करिए, अल्लाह माल माल करे सोना मदीने मदीने अल्लाह सोना करे। तीन बच्चे ने जे 24 घंटे नमाज पढ़ जाने मेरा धीरी, मैं नमाज पढ़ दिया 5 वक्त को दुआ करे सो अल्लाह उनको सुख दे अल्लाह ताला। बीमार अम्मा जी बीमार रहती है हमारी फजीलत बहन, बीमार हैं थोड़ी सी, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती देवे आमीन, अल्लाह पाक उनको सुख से तंदुरुस्ती देवे सोना करे, मैं 5 वक्त दुआ मंगसों दे किते आमीन आमीन जी, अल्लाह दुआ देवे सोना करे तंदुरुस्ती देवे अल्लाह पाक। अम्मा जी अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बहन को इसका अजर अजीम अता फरमाए, इस दुनिया में भी अता फरमाए और रोज़े क़यामत भी उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। उन्होंने यतीम बच्चों के लिए इन यतीम बेटियों के लिए इंग्लैंड से हमें जो रकम भेजी थी अल्लाह ताला उनका ये अजर उनको इसका जो अमल है इस अमल को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। इसके साथ ही आप लोगों से नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही मुस्तहक घर पे आप लोगों से मुलाकात होगी आप लोगों की भेजी हुई इमदादी हुई रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।